कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और मेरा आज का व्लॉग है कि मैं आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त दिखाऊंगा। वो उधर जाके बताऊंगा कि दरख्त कौन सा होगा, कितना पुराना दरख्त है। ये ज़िला सरगोधा की तहसील कोट मोमन के साथ गांव है मिडरांजा, उसके साथ मोरी वाला, उसमें ये दरख्त है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। थैंक यू। के बारे में आपको सब कुछ बता दूँ कि कोट मोमन तहसील के साथ तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। ये एक तो बड़े दरख्त की वजह से मशहूर है और दूसरा यहाँ पे जो हम कहते हैं कि अफसानवी रोमानवी मोहब्बत की कहानी के हीर रांझा, उनसे मुंसलिक है। तो ये गांव हीर का है जहाँ से हीर की इब्तदा हुई थी। तो इसके आगे तकरीबन से 2 से 3 किलोमीटर दूर है मोरी वाला, जहाँ पर वो बड़ा दरख्त है, गोड़ का दरख्त। जाता है उर्दू में, उसका आपको मैं विज़िट करवा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त है जिसकी उम्र इधर के मकामी लोग बताते हैं कि 400 साल से भी ज़ायद है, और जिसका ये तकरीबन 3 एकड़ और 24 कैनाल में ये फैला हुआ है। तो इधर के जो आज से 400 साल से पहले इधर के सूफिया उलमा कराम थे, रूडे शाह, बाबे रूडे शाह, उन्होंने ये एक दरख्त लगाया था। और ये आप देख सकते हैं कि आप जिधर भी देखेंगे ये सिर्फ एक दरख्त है और इसकी शाखाएं पूरे एरिया में फैली हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने कब्र भी है जो कि उसने अब जड़ों के अंदर अपने लिया हुआ है। बाकी ये सारी उनकी कब्रें बनी हुई हैं जो उनके सूफिया कराम हैं। बाकी यहाँ पे कुछ मकामी लोग हैं तो उनसे जाके कुछ बातें पूछते हैं कि असल वजूहत क्या है, ये पौधा कैसे लगाया गया, क्योंकि असल तो वो ही जानते जो यहाँ के मकामी हैं, और वो ये बताएंगे कि इस दरख्त की असल उम्र क्या है और ये कितने एरिया में है और ये कैसे हुआ। ये कोई पता नहीं कितनी सदियां हो गई। अच्छा, कोई नहीं पता कि लगा है, मतलब जो तुसी इत्थे रह रहे हो कि तुसी इस तरह देख रहे हो? जी हाँ। अच्छा, असि हुण चौथी सदी विच असि अब दादियां परदादियां दी औलाद आ रहे हैं। अच्छा जी, सही है। ते मैं सुने थे कि औलिया कराम जिहड़े सी इत्थे इन्हां कोई रोडे शाह उन्होंने लगाया सी इधर? जी हाँ, वेखो दी ओह डेरी है जी, ये जिहड़ी ओह जड़ दे अंदर कबर है, उन्हां दी कबर है। ये भी आनंद ही है रोडे शाह दे। अच्छा, रोडे शाह। अच्छा अच्छा, ते रोडे बाबे रोडे शाह दी ओह जिहड़ी ओह डेरी नहीं और सुना में वो जी उत्थे ही ओहदा मोढ। अच्छा, वो जी डेरी नाल है जी। अच्छा जी, हां। ते इन्नू कोई कटदा भी आ जां खुद ही? ना जी, कोई बंदा नहीं, उन जेड़ी विचों कोई बज्जा टुटे ना। हां जी, ओ चाबी दी है ते ओ जेड़ी खुद गिरदी ओ तुसी लेके जा सकदे हो, वैसे कट नहीं सकदे? ना जी, ना कोई बंदे नहीं कट। अच्छा जी,
सही है। तकरीबन इधर एरिया कितना जी रकबा है? रकबा एड्डा जी 24 कनाल। अच्छा 24 कनाल। 24 कनाल। 24 कनाल है। 3 किलो। यह कुछ ज़्यादा हो रहा, कम हो रहा, कुछ इस तरह का? यह जी हूँ हुकूमत बच्चे आ रही है। हुकूमत आ रही है जी हम मिट्टी नहीं छत्ती पी। हाँ जी हाँ जी हाँ करके। हाँ जी डब्बे पीलिए बने पैना इन्होंने कई डब्बे पे। अच्छा मतलब लगाएंगे बाउंड्री लगाएंगे जी? हाँ इतनी चार चुफेरे दी चाहते हैं कि इनका करण फिर सही है जी। तो ये चार चुफेरे इतनी उस दिन चार दीवारी हो जाए जी। हाँ अच्छी गल है जी। हाँ भावें ले सुनो जाली तो भावें दीवार कर सो इन्हें पीली उत्ते गड्डो डर के न। चलो अच्छी गल है हुकूमत का अच्छा कदम आ के एक देखो ना सालों तो पुराना कदीम गया। मकामी बुज़ुर्ग थे जिन्होंने बताया कि मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है और उनके 4 सदियों से ये ऐसे ही दरख्त चल रहा है। तो उन्होंने हमें यह बताया कि अभी ये जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है ना इधर से ये सारा मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाया जा रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये एक पिलर बना हुआ है तो मतलब कि कह रहे हैं कि इधर साइडों पर ना इसकी बाउंड्री करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही कदीम दरख्त है तो इसको अच्छे से महफूज करेंगे, इसकी बाउंड्री बनाएंगे कोई ताकि इसको अच्छे से देखा जा सके, कोई लोगों के लिए सैर तफरी हो जाए। तो आगे मैं इधर दिखाता हूँ जो कि इधर औलिया कराम की वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ी में से जो उनके ख़ानदान में से उनकी कब्रें हैं इधर। तो ये जो मेरे सामने है कब्र ये बाबा रोडे शाह जिन्होंने ये दरख्त लगाया था, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ भी हर तरफ सारा बोर्ड है। और उन्होंने बताया था कि इधर कोई लकड़ी काट नहीं सकता, अगर ये खुद ब खुद नीचे गिरती है तो फिर इसको कोई उठा सकता है। ये मैं आपको कब्र दिखाता हूँ, ये है वो कब्र जो कि जड़ों के अंदर है।